हाय गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैचलर्स की खाना बनाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। अक्सर बैचलर्स के सामने यही दिक्कत होती है कि वो आज क्या सब्जी बनाएंगे, उन्हें पहले क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, फिर वॉश करना पड़ेगा। तो हम बैचलर की खाना बनाने की दुविधा को आज दूर करेंगे और उनके लिए सिंपल और इजी सब्जी बनाएंगे, आलू और प्याज की सूखी सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू प्याज की सूखी सब्जी। मैं दो जनों के हिसाब से आलू की सब्जी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, 3 छोटे साइज के प्याज, 3 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 चम्मच ऑयल। तो हमने एक पैन ले लिया है, उसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम उसमें जीरा डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और लंबे कटे हुए प्याज को डाल देंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा नमक पहले ही डाल देंगे ताकि प्याज अच्छे से गल जाए, और हम प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक भूनेंगे। मैं इसमें चुटकी भर हींग डाल रही हूँ, ये टोटल ऑप्शनल है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे प्याज हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हमारा बाकी का बचा हुआ नमक ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, कुछ देर के लिए ढक देंगे जब तक कि आलू अच्छे से पक ना जाए। फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे कि हमारे आलू पके हैं या नहीं। अभी आलू पूरी तरह से नहीं पके हैं, लेकिन इस कंडीशन में अब हम बाकी के मसाले मिक्स कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। अब हम लिड को हटाकर चेक करेंगे कि आलू अच्छे से पक गए हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये हमारी सुपर टेस्टी आलू प्याज की सूखी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। है ना, कितनी सिंपल और इजी सब्जी। इसे आप भी ट्राई करें फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।